वहीं सनबीम वरुणा में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित शिक्षा सशक्तिकरण पर आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे। उन्होंने कहा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम समावेशी हो जाते हैं। दुनिया की पुरानी संस्कृति में काशी की संस्कृति शामिल है। कहा कि विकसित भारत की बात करते हुए अगर देश आगे बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यापकों की बढ़ जाती है। सनबीम वरुणा स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का भव्य स्वागत किया। वहीं विदेश मंत्री ने आयोजित कार्यक्रम में देश के शिक्षकों की भूमिका को बताया। कहा कि यहां के शिक्षकों के साथ मेरा जुड़ाव रहा। देश को अगर आगे बढ़ाना है और बढ़ना है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यापकों के कंधों पर होती है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करती है। अच्छी शिक्षा से देश की अच्छी तैयारी होती है। वहीं लोकतंत्र की यात्रा में यह काफी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री बोले कि मैं अपनी मुलाकात के दौरान शिक्षकों के साथ मोदी सरकार की नीतियों को भी रखूं। आज मैं काशी आया हूं, मेरा कार्यक्रम है। यहां से पहले यहां के अध्यापकों के साथ एक हमारी मुलाकात है और ये मेरे लिए इसकी जो महत्व ये है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, अगर देश को आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो अध्यापकों की है, क्योंकि अगर शिक्षा ठीक हो तो देश की तैयारी होती है इस यात्रा में जाने की। तो ये वहाँ जाकर मेरी जो उनके साथ जो वार्तालाप जो होगी, बातचीत जो होगी, मुझे विश्वास है कि उनके साइड से भी कुछ आइडियाज आएंगे और मैं अपनी ओर से, जो मोदी सरकार की ओर से हमारे यहाँ जो नीतियाँ क्या हैं, हमारी आगे की सोच क्या है, वो मैं उनके सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद प्रेस की मीटिंग होगी। ये तो आमतौर पे जहाँ भी जाते हैं हम लोगों का प्रेस के साथ संबंध तो होता ही है। और फिर शाम को यहाँ के जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो यहाँ के समाज के जो लीडर्स जो हैं, उनके साथ मीटिंग होगी। पर ये इसका फोकस जो है ज़्यादा विदेश नीति पे होगा कि आज मेरा जो इस समय इस चुनाव के दौरान ये अनुभव है कि देश में अब विदेश नीति के बारे में जानने की बहुत इच्छा है, बहुत उत्साह है और लोगों को अच्छा लगता है। गर्व का विषय है कि मोदी जी जो है भारत को कहाँ ले गए हैं, कितने उनके आज देश की प्रतिष्ठा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस ये डिस्कशन जो है ज़्यादातर विदेश नीति पे होगा और वहाँ भी जो पब्लिक से देखिए फीडबैक लेना, ये शुरू से मोदी सरकार की एक परंपरा है, एक हमारी एक